नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करेले, भरुआ करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने करेले लिए और इसके दो पीस कर दिए और इसके बीच के हिस्से जो था बीज वाला वो हमने इसको खाली कर दिया और उसको फेंकना नहीं है। उसको भी हमने क्या करना है, मसाला बनाती बार उसको यूज़ करना है। तो ये सारे बीज निकाल के मैंने साइड कर दिए। पके हुए बीज जो होंगे उनको साइड में फेंक देना है, बट ये कच्चे बीज है तो ये सारे इकट्ठे रखने हैं। उसके बाद मिक्सी का जार लेना है, उसमें प्याज, एक प्याज है और थोड़ा सा लहसुन है। ये सारे बीज, जितने भी करेले के बीज हैं, ये सारे इसमें डाल देने हैं। उसके बाद जीरा, सूखा हुआ धनिया, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक, ये तीन चार जो है हरी मिर्ची है, ये भी इसमें हमने डाल देनी है। अब इन सबको ग्राइंड कर लें। ये सारा मसाला ग्राइंड कर लिया। ये सारे करेले हैं और ये उसका मसाला। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये स्टीमर लिया। हमने स्टीमर में मैंने इसको क्या करना है, थोड़ी सी स्टीम लगवानी है। जितने भी ये पीस है मैंने इसको इसके अंदर रख देना है। सारे करेले मैंने इसमें डाल दिए। ये इसलिए डाले क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये स्टीमर से पक जाएंगे, तो मैंने इसको हल्का हल्का तेल से में जो है फ्राई करना है, तो ये जल्दी पक जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने आपको करेले की रेसिपी बताई है, लेकिन वो सिंपल सी थी, बिल्कुल सिंपल सा मसाला, नमक मिर्ची हल्दी डाल के उसको भरा था। लेकिन ये स्टफिंग जो हमारी ये वाली है, जिसमें हमने करेले के बीज, प्याज, लहसुन और जीरा, मिर्च, हरी मिर्च और धनिया वगैरह डाल के इसको ग्राइंड किया, मोटा दरदरा होता है, जिसको मैंने उबलने के लिए पानी डाल दिया है। देखिए ये थोड़ी देर में उबल जाएगा। उसके बाद में इस वाले जो करेले वाला ये बर्तन है, ये इसके ऊपर रख दूंगी और इसको 5 मिनट तक थोड़ी सी स्टीम दूंगी। अगर स्टीम नहीं भी देनी होगी तो भी आप इसको बिना स्टीम दिए भी बना सकते हैं, लेकिन इसको फिर थोड़ा डीप फ्राई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको कम फ्राई करूँगी, कम तेल में, इसलिए इसको स्टीम दिला रही हूँ। तो अभी पानी उबल गया है और मैं इसके ऊपर एक करेले स्टीम के लिए रख दूँगी और मैं इसको 5 मिनट के लिए उबलने दूँगी, उबलने नहीं बल्कि ओनली स्टीम दूँगी। क्योंकि करेले बनाने का अलग अलग सिस्टम होता है, अपना अपना एक अलग तरीका है। मैं सिर्फ जल्दी पक जाए इसके लिए मैं ये स्टीम दिला रही हूँ। करेलों ने अपना कलर हल्का सा चेंज कर दिया, इसका मतलब ये हो गए हैं। अब मैंने गैस ऑफ कर देनी है और इसके बाद इन्हें निकाल के थाली में रख दें। अभी टोटली स्टीम्ड हो गए हैं, नहीं पक गए हैं। अब हमने इसमें थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके बाद इसमें मसाला भर के रखना है। इसके बाद मसाला उठाना है, मसाला, और एक एक करके इसके बीच में भर देना है। इस तरह से ये एक एक करके सारा मसाला इसमें भर दिया। अब कढ़ाई लें और इसमें तेल डाल दें। अब कढ़ाई में तेल डाल दिया, ज़्यादा तेल नहीं डालना है और इसको थोड़ी देर पकाना है। ये भरे हुए करेले सारे अब इसमें एक एक करके फ्राई करने हैं। अब इसे हमने बहुत कम टाइम में, मतलब सिर्फ हल्का हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। ऑलरेडी ये पके हुए हैं, कच्चे नहीं हैं,
इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसे हल्के हाथ से मतलब धीरे धीरे इसको पलट देना है, बस इस तरह से ये करेले तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।